आज बैंकिंग स्पेस में तो तेजी है ही, साथ साथ आप देखिए जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, क्योंकि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग और उसमें भी फर्स्ट टाइम लोन पर जो छूट दी गई है, उसका सीधा इंपैक्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर देखने को मिल रहा है और अक्रॉस द बोर्ड सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अब देखिए जो कि NBFCs के तबके में आती है, कम से कम 5-5, 6-6% की तेजी सारे ही स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है। NBFCs में दीपन आपकी पिक्स कौन सी होंगी? आई थिंक जो भी NBFCs रिटेल सेक्टर रिटेल को लेंड कर रही है, चाहे हाउसिंग हो, कंज्यूमर फाइनेंस हो या माइक्रो फाइनेंस हो, आई थिंक दीज आर द कंपनीज दैट वी आर फोकस्ड ऑन। एंड अभी भी जो NBFCs इक्विपमेंट फाइनेंस करती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करती है और दे आर डूइंग होलसेल लेंडिंग, दे शुड बी अवॉइडेड। और स्पेसिफिकली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, आपकी बात सही है, बजट में ज़रूर से उनको थोड़ा फ़ायदा हुआ है और अन्य NBFCs को भी थोड़ा फ़ायदा हो गया, क्योंकि अप टू 5% ऑफ देयर NPA और अदर वॉट एवर दे हैव क्लासिफाइड एज स्ट्रेस्ड एसेट, वो डिडक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर टैक्स व्हेन दे आर कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी। इस पे चाहिए जो मैं अपना अगला प्रश्न है उससे पूछने से पहले एक बार जरा एक चीज स्क्रीन पर रखना चाहूँगा, जरा प्लीज एक बार टाटा स्टील के और निफ्टी के बीते साल भर के क्रॉस चार्ट दिखाइए कि बीते 6 महीने में निफ्टी ने क्या किया और बीते 6 महीने में टाटा स्टील ने, यानी मेटल्स के लीडर ने, अगर आप देखें क्या किया। आप ये देखिए इस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में निफ्टी ने कैसे कैसे लोज लगाए हैं। 7600 वॉलेट, 7400 वॉलेट, 7200 वॉलेट, 7000 वॉलेट, 6825 का लो। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपका टाटा स्टील स्टेबल रहा। आप सर दीपन जी, कमोडिटी साइकिल के रिवर्स होने का तो खैर बड़ा प्रश्न होगा, लेकिन फिर भी इन प्राइसेस में टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, आप इंटरेस्टेड हैं क्या, क्योंकि प्राइस वाइज तो डाइवर्जेंस है एक। नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर इनमें रैली आती है ब्रॉड रैली की वजह से तो इन्वेस्टर को निकल जाना चाहिए। आई थिंक देयर प्रॉस्पेक्ट्स द नेक्स्ट 2-3 इयर्स डोंट लुक दैट ग्रेट। हाँ, एक ट्रेडिंग बाय जरूर हो सकती है, दे कुड गो अप बाय 30-40% फ्रॉम दीज लेवल्स, दैट सर्टनली इज अ पॉसिबिलिटी। पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो 3-4 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर देम आई थिंक कमोडिटीज हैव टू बी टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन। उनका फोकस तो यही रहना चाहिए टू बाय इन टू गुड कंपनीज विच आर एक्चुअली कंज्यूमर्स ऑफ कमोडिटीज, जिनके अच्छे ब्रांड है, कुछ मार्केट पोजिशन है, एंड विच आर एबल टू यू नो हैव सम प्राइसिंग पावर एंड विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। सो दैट शुड बी द फोकस ऑफ द इन्वेस्टर्स, एंड कमोडिटीज इज सर्टनली नॉट फॉर द एवरेज इन्वेस्टर। जो मार्केट के जो शातिर है, जो अच्छा जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो बेचना जानते हैं, लॉसेस कट करना जानते हैं, दे कैन लुक एट ट्रेडिंग इन कमोडिटीज। बिल्कुल, चलिए एक नजर डालते हैं आईटी स्टॉक्स पर, क्योंकि आज जो मार्केट की तेजी है इसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कुछ हैवी वेट्स की तरफ से है, चाहे वो इंफोसिस हो या फिर TCS, इनका कंट्रीब्यूशन अब देखिए आज सेंसेक्स की तेजी में तो जबरदस्त कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है, और यह वैसे भी वो सेक्टर है जो काफी हद तक बजट जैसी चीजों से अछूता रहता है। आपके टॉपिक दीपन का कौन सी होंगी आईटी स्टॉक्स में? देखिए, अभी भी हमारा जो व्यू है लार्ज कैप आईटी पर नेगेटिव है, और इसकी वजह यह है कि काफ़ी स्लो ग्रोथ है वहाँ पर। लार्ज कैप आईटी कंपनीज आर प्रीटी मच स्टैग्नेंट, उनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज़ लेस देन 10% और सो, और आगे चलते भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ रेट्स इम्प्रूव हो सकती है। देयर प्रॉफिट मार्जिन आर अंडर प्रेशर, प्राइसिंग इज अंडर प्रेशर, एंड वॉल्यूम्स आर नॉट ग्रोइंग टू द एक्सटेंट दैट दे वुड एक्सपेक्टेड टू। कुछ प्रोडक्टिविटी की बेनिफिट्स आ रही है, बट दैट्स नॉट इनफ। लेकिन आईटी क्षेत्र का जो वेटेज है सेंसेक्स निफ्टी में अभी भी काफ़ी भारी है, तो इन्वेस्टर को ज़रूर से कुछ ना कुछ अपना पोर्टफोलियो आईटी सेक्टर में डालना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड द बेस्ट वे टू प्ले दैट वुड बी थ्रू मिड कैप आईटी। और वहाँ पर अभी भी ग्रोथ अच्छी है, 15-25% की बॉटम लाइन टॉप लाइन ग्रोथ दिख रही है हम लोग को मिड कैप आईटी में, और मे बी बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंट एक्विजिशन, मे बी बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स, मिड कैप आईटी इज स्टिल एबल टू सस्टेन टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ। सो दैट्स बी द स्ट्रेटजी फॉर आईटी टू बाय इनटू सम ऑफ द क्वालिटी मिड कैप आईटी स्टॉक्स।